हाँ गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग आप सभी को शाम की प्यार में नमस्कार कैसे बताइए चलो ये आज हमारा लेक्चर नंबर तीन है लेक्चर नंबर हमारे पास में तीन देखिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण सूचना ये है जैसे अगर किसी बच्चे का 11, ट्वेल्थ पार्ट अगर पहले से स्ट्रोंग है और अगर वो हमारे यहाँ से अगर यूजी अगर सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो यूजी पार्ट लेना चाहे तो पर्सनली ले सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहा है तो यूजी और पीजी पार्ट ले सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लस सेपरेट पार्ट भी आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हो ठीक है ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर पूरा ही कोर्स लेना पड़ेगा कई जगह ऐसी संभावनाएं हैं ठीक है ना कि बच्चे का इलेवेंथ ट्वेल्थ पार्ट बहुत स्ट्रांग है लेकिन यूजी वाला पार्ट उसका स्ट्रोंग नहीं है तो अगर आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पर्सनली आप लोग यूजी पार्ट को पढ़ सकते हो आप पर्सनली पीजी पार्ट को भी पढ़ सकते हो और आप दोनों का कॉम्बो यूजी और पीजी पार्ट भी पढ़ सकते हो ठीक है ना और कंप्लीट कोर्स जिसको पढ़ना है वो कंप्लीट कोर्स भी पढ़ सकता है ये पूरा डीपली होगा बैच मतलब एक एक चीज आपको बताई जाएंगी अच्छे से जो भी होगा जैसा भी होगा एक्सीलेंट तरीके से पढ़ाया जाएगा टाइम लिया जाएगा बस ये ध्यान रखना चले यहां से बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर तो हमने लास्ट क्लास में यह देखा कि सर हमारे पास में कि जैसे हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे यथार्थ अवकल समीकरण कब क्लेम करेंगे सर हमारा यहां एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण हमारा यथार्थ अवकल समीकरण तो मैंने कल आपको ये बताया था कि हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम चाहें तो उसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई मेरे पास में वाई डैस है वाई डबल डैस है और वाई का सर्जी एन एथ डेरिवेटिव इक्वल टू मेरे पास में जीरो है ये हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही लिखा है डेफिनेशन में हम लोग यही कहते हैं कि एक रिलेशन होता है मतलब एक समीकरण होगी जो रिलेशन शो करेगी स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर के अवकल गुणांकों के मध्य ठीक है ना कि एन इक्वेशन विच इज प्रोवाइडेड रिलेशन बिटवीन तो जो एप है ये हमारा रिलेशन ही शो कर रहा है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है डिपेंडेंट भी है और सर उसके डिफरेंशियल कोपिशेंट्स भी हमारे पास में अवेलेबल हैं बात समझ में आ गई यहाँ चलिएगा तो मैंने आपसे ये बोला कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में है ये सर हमारे पास में एक्जेक्ट कब होगी अगर भैया मुझे दुनिया में कोई एक ऐसा फंक्शन मिले कि सर फाई मेरे पास में एक्सकोमा वाई है ऐसा ज़रूर होगा हमें मिले या ना मिले वो बात अलग है अगर वो एग्जेक्ट हुई तो गारंटी से कहीं ना कहीं जरूर होगा कि सर डी की पावर एन फाइव एक्स वाई जो हमें मिला वो सर जी हमें इसके इक्वल मिल जाएगा जो भी होगा बात समझ में आ गई नेक्स्ट हमारे पास में बढ़ते हैं अब इसको ना डिफाइन करने के कई तरीके हैं जैसे मान लो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में लेके आऊं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को प्रदर्शित करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। सर एम एक्स वाई मेरा dx प्लस का सर जी एनएक्स वाई मेरे पास में इक्वल टू हमारे पास में जीरो दूसरा भैया एक हमारे पास में ये है कि apex एक्स कोमा वाई और सर वाई ड हमारे पास में कितना है जीरो फर्स्ट ऑर्डर मतलब केवल डीवाईन डी एस तक ही हम लोग सीमित हैं यहाँ चलिएगा तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सर हमारे पास में एग्जैक्ट कब होगी अगर हमारे पास में एक, एक फंक्शन का एग्जिस्टेंस जरूर होगा कि दे आर एग्जिस्ट हमारे पास में फाई एक्स वाई सच दैट भैया कि ये फाई एक्स वाई दे आर एग्जिस्ट का मतलब है विद्यमान होगा कि कैसे कि सर डी फाई इक्वल टू या तो हम ऐसा लिख पाए एम एक्स वाई मेरे पास में डी एक्स प्लस एक्स वाई मेरे पास में आ डी वाई इक्वल टू सर जी डी फाइव के इक्वल हो जाए तो हमारे पास में जो फाइव एक्स वाई का जो एग्जिस्टेंस है या सर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर फाइव एक्स वाई अगर ऐसा एग्जिस्ट हुआ ऐसा विद्यमान हुआ तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है ये सर जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है इसको ये ऐसे भी लिखता है तो सर हमारे पास में कि देर एग्जिस्ट भैया कि वाई, सच देट, सच देट का मतलब होता है इस प्रकार है कि कि सर डी फाइव सर जी हमें एब ऑप्टेन हो जाए या हमारे या तरीके होते हैं तो उसको लिखने के कई सारे तरीके हैं आपको जैसा बेस्ट लगे वैसे काम कर सकते हो कुल मिलाकर के बस बात इतनी सी है कि सर हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जेक्ट हुई चाहे वो मेरे पास से वन ऑर्डर की हो चाहे वो टू ऑर्डर की हो चाहे वो एन एच ऑर्डर की हो अगर एग्जैक्ट है तो गारंटी है एक फंक्शन दुनिया में कहीं ना कहीं अवश्य होगा हमें मिले या ना मिले वो बात अलग है कि उसके डेरिवेटिव करने से हमें उससे डिफरेंशियल इक्वेशन की प्राप्ति हो जाएगी भैया बात समझ में आ गई ना मतलब उसके एल वाले पार्ट की प्राप्ति हो जाएगी तो ये हमारे पास में इसके तौर तरीके हैं तो आप इतना लिख करके इसको ब्रैकेट में डाल लो यहां फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी बातें हुई हैं, केवल सिंगल डेरिवेटिव की बातें हुई हैं, केवल डीवाई पी एक्स की बातें हुई है कल वाली क्लास में हमने क्या देखा कल वाली क्लास में सर जी हमने एन एथ डेरिवेटिव के लिए काम किया था इसलिए हम वहां पर डी की पावर एन लेकर के काम कर रहे थे बात समझ में आ गई लिखिएगा फिर बढ़ते हैं डी फाइव इक्वल्ट चाहे कैसे भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा डी लिख लो स्मॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है ये लीजिएगा ठीक है चलिएगा यहां से आ गया हमारा सर जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा यहां सर समकल गुणांक समकल गुणांक हमारे पास में सिंपल डेफिनेशन चल रही है अभी कोई तौर तरीके नहीं चल रहे हैं टिकटिंग फैक्टर निकालने के यहाँ सिंपल बातें की है कि होता क्या है हमारा चलिएगा आ जाइए सारे तो आराम से पढ़ेंगे ठीक है ना स्लोवे में पढ़ेंगे फास्ट भी होंगे रेस भी बढ़ाएंगे लेकिन वक्त के अनुसार बढ़ाएंगे वो ए आइएगा भैया सर जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सर मान लो हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया मैंने मान लिया कि ये एप एक्स और वाई और वाई डैश में ही है कि सर हमारे पास में केवल फर्स्ट ऑर्डर में ही है बात समझ में आ गई सर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है मतलब हमें दुनिया में क्या मतलब कहीं भी एक ऐसा फंक्शन फाइ एक्जिस्ट नहीं होगा कि उसके डेरिवेटिव करने से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्टेन हो जाए ऐसा कहीं नहीं होगा लेकिन हम कोशिश करते बनाने की कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हुई है ये एग्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए एग्जेक्ट में यथार्थ में परिवर्तित हो जाए यह हमारी कोशिश रहती है तो इस कोशिश को पूरा करने के लिए मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी फंक्शन से प्रोडक्ट करता हूं वो फंक्शन हमारा पाई एक्स वाई मतलब कुछ भी हो सकता है यू एक्स वाई भी हो सकता है एक्स वाई भी हो सकता है लेकिन गारंटी है कि उस फंक्शन से प्रोडक्ट के होने के पश्चात जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी वो गारंटी से एग्जैक्ट होगी बात समझ में आ गई यहां देखिएगा <coughs> अगर ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सर हमारे पास में एग्जैक्ट नहीं है मतलब सर ये हमारे पास में नॉन एग्जैक्ट है देखो तो दो ही पैतरे होते हैं या तो एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट यथार्थ नहीं तो अयथार्थ अगर फाइ एग्जिस्ट हुआ तो एग्जैक्ट यथार्थ बन जाएगी और फाइव का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ तो नॉन एग्जेक्ट है यथार्थ बन जाएगी सीधी सी कहानी ये है तो सर अगर मेरे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जेक्ट है यथार्थ है तो है नहीं है तो नॉन एग्जेक्ट है यस और नो पे काम होगा सीधी सी कहानी है जैसे हमारे पास में लीनियर नॉन लीनियर अगर लीनियर है तो है नहीं है तो नहीं है सीधी कहानी है सर जी उसी तरह से हमारे पास में यह कहानी होगी या तो एग्जैक्ट नहीं तो नॉन एग्जैक्ट दो ही पैतरे होंगे बस चलिए तो ये हमारे पास में क्या है सर जी नॉन एग्जैक्ट है भैया सर ए यथार्थ हमारे पास में है तो हम इसको एक फंक्शन से गुना करते हैं म्यू एक्स वाई से तो सर हमने क्या किया इसको म्यू से गुना किया और म्यू से गुना करने के पश्चात ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली यहां कि सर पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी ये एग्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ तो जो हमारे पास में जो म्यू एक्स वाई है ये सर जी इसका इंट्रीडिंग फैक्टर इसका समकल गुणांक को डिफाइन करता है बात समझ में आ गई यहां अब आ जाइए सारे के सारे यहां देखिएगा परिभाषा देखो पहले तो इसकी कैसे लिखी जाती है सर एक फलन एक फलन म्यू एक्स वाई, ए यथार्थ अवकल समीकरण ए यथार्थ अवकल समीकरण एफ एक्स कोमा वाई कोमा वाई डेस बराबर जीरो का समकल गुणांक कहलाता है समकल गुणांक कहलाता है यदि यदि म्यू इंटू एप बराबर जीरो एक यथार्थ अवकल समीकरण हो यदि म्यू डॉट एप बराबर जीरो एक यथार्थ अवकल समीकरण हो यथार्थ अवकल समीकरण हो खाने खत्म हमारे पास में म्यू डॉट एप अगर एग्जेक्ट बना और म्यू डॉट एप के एग्जेक्ट होने के लिए क्या गारंटी है सर जी वही हमारे पास में एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए सही बात है ना चलिएगा ए फंक्शन ए फंक्शन म्यू एक्स वाई इज तो सेट टू बी सेट टू बी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेट भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ़ नॉन ओपनॉन ऑफ़ नॉन एग्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एप एक्स को वाई को वाई डेस इक्वल टू जीरो सर जी हमारे पास में इफ इफ डॉट एप इक्वल टू जीरो इज ए या सर जी हमारे पास में इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब चाहे डी डॉट लिख लो चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी लैंग्वेज लिख लो मतलब दोनों का तो एक ही रहेगा हमारा तो इंटरडिंग फैक्टर से अगर आपसे कोई पूछा जाए किस जैसे मान लो आप कहीं बैठे हुए आपसे पूछे जाए कि इंटरडिंग फैक्टर का मीनिंग क्या होता है तो इसको जो डिफाइन करते हैं वो हम लोग स्पेशली यहां से डिफाइन करते हैं आपने देखा होगा तो थोड़ा सा याद होगा तो हम इंटरग्री फैक्टर कहां भी निकालते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का देते हैं हम लोग डीवाई अपन डी एक्स प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन दिया जाता है सर जी उसके लिए हम सबसे पहले आई एफ डिफाइन करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा समकल गुणांक डिफाइन करेंगे हम लोग सबसे पहले वहां ठीक है ना लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं है वो वो तो उसको सोल्व करने के पैतरे हैं ठीक है ना वो भी इसी तरीके से निकाला जाता है वहां जो आई एफ वहां निकालते हैं उसका भी निकालने का फिक्स फॉर्मेट है जब आएगा तब बताया जाएगा कि वहां जो आई एफ हम लोग निकालते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए रेक अवकल समीकरण के सोल्यूशन के लिए उसके हल के लिए तो बताया जाएगा वहां कि जो आई एफ आता है वो कैसे किस तरीके से वहां अपना रूप धारण करता है ठीक है चलिएगा आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेशन आपने लिख ली होगी वैसे अगर आप चाहो तो यहां से एक एग्जांपल ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें भैया कि सर हमारे पास में y dx का सर जी x dy मेरे पास में जीरो। अब हम आगे चलकर के एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट को चेक करने के पैतरे ढूंढेंगे मतलब सो आएगी और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आएगी अभी केवल हम उसको डिफाइन करके चल रहे हैं कि कौन क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ठीक है ना तो सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भैया हमारे पास में नॉन एग्जैक्ट है यथार्थ है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में ये अ यथार्थ है लेकिन लेकिन अगर मैंने इसको गुना किया वन अपॉन वाई स्क्वायर से सर वन अपॉन वाई स्क्वायर से गुना करने से क्या होगा एक्स डी वाई मेरे पास में वाई स्क्वायर बराबर है सर जी मेरे पास में जीरो अगर मैं इसको उस फाई के फॉर्मेट में लिख पाऊं तो सर मैं इसको बेसिक लिख सकता हूं मैं सर इसको एक्स अपॉन वाई की फॉर्मेट में लिख सकता हूं अगर मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा तो गारंटी है इस बात की कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है कि सर जी हमारे पास में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है इसका मतलब जो अपन है वो हमारे पास में सर जी समकल गुणांक को डिफाइन कर गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर को परिभाषित करके गया बात समझ में, है पास में या? बिल्कुल तो जो डीएक्न वाई होगा स्क्वायर मेरा वाई डी एक्स होगा माइनस एक्स मेरे पास में सर जी डीवाई होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बेसिकली मतलब क्या है मालूम चल गया कि सर एक सीधी सी बात करता है बिगड़े आदमी को सुधार देगा बस तो जो सुधारने का जो तौर तरीके हैं ठीक है ना वो हमारे पास में फैक्टर समकल गुणांक को डिफाइन कर जाएंगे और कुछ नहीं है इसके अंदर इतना लिखेंगे फिर बढ़ेंगे आगे अच्छे से पढ़ते जाइए मस्त होके पढ़ते जाइए दिमाग पे टेंशन नहीं लेनी है हमें किसी भी प्रकार से और चीज़ों में उतावलापन नहीं दिखाना है हैं बस ये ध्यान रखना ठीक है ना चीजों में उतावलापन नहीं दिखाना है हैं अभी यहाँ सर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अभी वो हमारे पास में आएगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटी तथा घात तो डालिएगा एडिंग स्टार बना करके आ जाइएगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफ्रेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की कोटि एवं गात अवकल समीकरण की कोटि एवं गात ठीक है आ जाएंगे सारे के सारे भैया सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा अवकल समीकरण की कोटी अवकल समीकरण की, की कोटी हमारे पास में ये है भैया देखिए आपने जो भी इसके बारे में सुना है डेफिनेशन तो इसकी वही है तो और तरीके अलग अलग हो सकते हैं रिजल्टेंट वैल्यू वही रहेगी कि हमारे पास में कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही हमारे पास में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा लेकिन 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 एक शर्त है उसके अंतर्गत वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर आप डिफाइन करना चाह रहे हो ना अभी केवल मैं बात ऑर्डर की कर रहा हूं यहां डिग्री से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है अभी ध्यान रखना है तो वो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का साइन मौजूद नहीं होना चाहिए मतलब समाकलन विद का पद विद्यमान नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन वाला टर्म अवेलेबल नहीं होना चाहिए मतलब सर हमारे पास में dx जैसा कुछ नहीं हो सर हमारे पास में वाई डी एक्स जैसा कुछ नहीं हो सर वाई डी वाई जैसा हमारे पास में कुछ नहीं हो ऐसे हमारे पास में कुछ भी अवेलेबल नहीं हो उसके अंतर्गत तो देखिए अब उसमें कई सारे तौर तरीके हो सकते हैं जैसे सर हमारे पास में एक्स dx है तो एक्स dx का इंटीग्रेशन आसानी से हो रहा है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का सी इसका जो इंटीग्रेशन मैं करूंगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस मेरे पास में सी और भैया सी होता है हमारे पास में आर्बिट्री कांस्टेंट स्विच अचर लेकिन एक बात होती है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंतर्गत आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद नहीं होता है बात समझ में आई तुम्हारे यहां सोल्यूशन में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मौजूद होगा ध्यान रखना तो सर हमारे पास में इस आर्बिट्री को रिम्यू करने के लिए हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव कर देते हैं ताकि हमारे पास में जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है इसका मान मेरे पास में बर्बाद हो जाए सी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा सीधी सी का नहीं है ठीक है लेकिन जैसे मान लो हमारे पास में यहां पर ये वाई डी दिये डीएक्स अवेलेबल है अगर वाई डीएक्स अवेलेबल है तो मेरे पास तो में वाई की तो वैल्यू नहीं है तो मैं अभी उसका यह इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाऊंगा तो सर हम लोग उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं ताकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे को समाप्त कर लेंगे बात समझ आइए अब इसके तौर तरीके बहुत सारे हो सकते हैं बताने वाले बहुत सारे तरीके से इसको क्लासिफाइड करते हैं लेकिन रिजल्टेंट बात एक ही है कुल मिलाकर के गोल चक्कर में इसे घूम के आप रिजल्टेंट एक ही चीज पे आओगे अगर सर जी हमारे पास में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का साइन अगर मौजूद है और जितना उसका ऑर्डर अगर तुम्हें दिया हुआ है तो डेफिनेटली उससे एक ऑर्डर आपके पास में एक्स्ट्रा में वहां आ जाएगा ध्यान रखना अगर सिंगल इंटीग्रेशन वहां अवेलेबल है तो वो चाहे मेरे पास में एक्सडीएक्स हो वाई डी एक्स हो वाई हो कुछ भी हो हमारे पास में वहां Man, जो तरीका होता है वो तो ये होता है मैं बताऊं आपको एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ही कर दो देखो बताने वाले ऐसे भी बताते हैं जैसे मान लो ये पास में एक्स dx बराबर मान लो मेरे पास में कितना आ रहा है यहां से वाई बराबर सर जी हमारे पास में एक्स और कितना आ रहा है dx आ रहा है तो ये डी वाई अपॉन डीएक्स प्लस का सर वाई तो मैंने इंटीग्रेशन किया एक्स पास में सी तो सी अभी हमारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है अब बताने वाले कहते हैं कि एक तो सी हमारे पास में पहले का ही मौजूद है और एक डिवाईपन डी एक्स से एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इसके सोल्यूशन से भी हमें मिलेगा तो कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो गए दो तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हुआ वो हमारे पास में दो होगा लेकिन नहीं अभी तुमने सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं किया तो मैं कैसे उसको बना दूंगा यार बात समझ में आई तरीके बहुत सारे हो सकते हैं रिजल्टेंट वैल्यू हमारी जो होगी वो सेम होगी आप अगर पचास किताब उठाओगे तो हो सकता है कि हर किताब में अलग अलग मतलब हो उस बात का लेकिन रिजल्ट अगर क्वेश्चन कोई मिलेगा तो उसका रिजल्ट तो सिंगल ही होगा अब ऐसा तो है ना कि उस क्वेश्चन का रिजल्ट भी पचास टाइप से आपको मिलेगा वहां नहीं ना सिंगल रिजल्ट इसका ऑर्डर अगर टू है तो टू ही होगा ऐसे थोड़े तो ना किसी किताब में ढाई हो गया किसी में चार हो गया किसी में पाँच हो गया ऐसा नहीं होगा तो लैंग्वेज कितने भी तरीके से घूम सकती है रिजल्टेंट वैल्यू तो सेम ही होगी चाहे मैं पढ़ा लूँ चाहे कोई और पढ़ा ले चाहे किसी बुक में हो चाहे दुनिया की किसी भी बुक में हो फिर वो ठीक है आ जाइएगा तो कहने का मतलब हम एक चीज सीखते हैं यहां और इंटीग्रेशन का साइन मौजूद है तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सिंगल इंटीग्रेशन है तो उसका ऑर्डर एक और बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली ध्यान रखना आप ठीक है तरीके में बताता हूं कैसे क्या होता है आ जाइएगा तो सर ऑर्डर क्या होता है हमारा कोटी क्या होती है सर जी हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें उसमें यह चेक करना है कि उसमें हाइएस्ट डेरिवेटिव कितने टाइम सो हो रहा है उच्चतम कितना है हमें वो चेक करना है बस गारंटी क्या होनी चाहिए इंटीग्रेशन का साइन मौजूद नहीं होना चाहिए ये हम पर्सनली नोट में लिखेंगे ध्यान रखना आ जाइए किसी अवकल समीकरण में विद्यमान या सर अवकल समीकरण में विद्यमान अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की गात उच्चतम अवकलज की गात उच्चतम अवकलज की कोटी है ना सर उच्चतम अवकलज की कोटी अभी गात की तो कोई बात ही नहीं चल रही मेरे पास में उच्चतम अवकलज की कई बार वो लोग उच्चतम अवकुलज ही लिख करके छोड़ देते हैं समझ रहे आप लोग कई किताबें जो है केवल इतना वर्ड के छोड़ देते हैं और कई बुक्स उच्चतम अवकुलज की कोटी लिखना पसंद करती हैं तो अगर आपके हाथ में कहीं से किताब लगे उसमें की कोटी ना लिखा हुआ हो या कोई किताब हाथ में लगे जिसमें लिखा हुआ हो तो उससे घबराना नहीं है अवकलज समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकुलज की कोटी अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है इसका नोट क्या है भैया इसका नोट मैं लिख देता हूं पहले हिंदी में बात हो रही है पहले यहां इसका नोट मेरे पास में क्या है? अवकल समीकरण की कोटि अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करने से पूर्व ज्ञात करने से पूर्व ज्ञात करने से पूर्व अवकल समीकरण को अवकल समीकरण को समाकलन के चिन्ह से स्वतंत्र करते हैं समाकलन के चिन्ह से जिनसे स्वतंत्र करते <coughs> ये हमारे पास में अवेलेबल है ना यह समकलन के पद से स्वतंत्र करते हैं। पद से तो फिर बात अलग हो जाएगी केवल साइंस से मतलब रखी गा यहां सर द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट डेरिवेटिव द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट डेरिवेटिव हाइएस्ट डेरिवेटिव इन ए डिफ्रेंशियल इक्वेशन इन ए डिफ्रेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी इज सेट टू बी ऑर्ड आर ऑफ डिफ्रेंशियल इक्वेशन ऑर्ड आर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भैया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन केवल हो सकता है कि आपसे केवल हाईएस्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ मिले कहीं हो सकता है कहीं पर आपको ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ मिले सही ठीक है चलिए यहां पे सर हमारे पास में नोट है यहां ये जो भी भैया कमेंट कर रहे हैं ना क्या नाम है इनका मंगल मैथ्स क्लासेज तो भैया गुड इवनिंग आप कॉल कर लीजिएगा जो नंबर चल रहे पट्टी पे उन पे चलिएगा सर बिफोर फाइंडिंग बिफोर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट मस्ट बी फ्री प्रॉम इट मस्ट बी फ्री प्रॉम प्री फ्रॉम इंट्रीगल साइन मेरे पास में आ, आट्रीगल साइन हमारे पास में ये है भैया ठीक है चलेगा यहां से बढ़ते हैं तो ये इसके डेफिनेशन के तौर तरीके जो भी होंगे और जैसे भी होंगे एक सवाल देखिएगा आप लोग सिंपल सवाल है अभी हालांकि हम सवाल जो करेंगे मैन वो ऑर्डर और डिग्री दोनों के डेफिनेशन के बाद करेंगे कोटी और गात के बाद हम लोग इसके बेस्ट एग्जाम्पल से लिखेंगे और एग्जाम में यहां से लगभग लगभग सवाल पूछ लिया जाता है चलो डी स्क्वायर वाई मेरा डीएक्स स्क्वायर है प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस जीरो तो सिंपल है हाईएस्ट डेरिवेटिव सर जी टू हो रहा है। तो सर इसकी जो कोटी है वो सर हमारे पास में भैया कितनी है सर जी दो है वो इंटीग्रल के साइन से क्या मतलब है मेरा वो आप लोग देख लीजिएगा यहां जरा डीवाई अपन डीएक्स है प्लस वाई सर हमारे पास में एक्स डीएक्स है भैया सर जी डीवाई अपन मेरे पास में डीएक्स है प्लस हमारे पास से वाई डीवाई बराबर सर जी मेरा एक्स स्क्वायर है सर तीस चौथा डीवाई अपन डीएक्स प्लस का भैया Y, dx बराबर हमारे पास में सर जी एक्स स्क्वायर है ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट है अब बात सुनेंगे मेरी क्या है यहां सर अगर इसका ऑर्डर हमें निकालना है डीवाई अपन डी एक्स प्लस टू सर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सर जी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है समकलन अचरक इसी हमारे पास में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है स्वेच अचर लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन नहीं करती है मतलब रखती नहीं है इसका मतलब हमें यहां से सी को भगाना पड़ेगा सी को भगाने के लिए हमें सर जी इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो इसका ऑर्डर या आप ऐसे समझो कि सर एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट उसमें पहले का पड़ा हुआ है और इसका एक ऑर्डर डीवाई पी हमारे पास में ऑलरेडी है इसको सोल्व करने से एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हमें और मिलेगा तो कितने हो गए दो तो इसका ऑर्डर कितना होगा या दो लेकिन ये जो बात मैंने बोली है इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो उससे अच्छा है कि आप उसका डेरिवेटिव कर दो काम खत्म करो लेकिन बताने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ध्यान रखना चलिएगा तो सर यहां से अगर मैं इसका ऑर्डर वैसे दूं बगा डेरिवेटिव के दू तो इसका ऑर्डर टू हो जाएगा मेरा कि सर एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है और एक ऑर्डर हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे पास में यहां से मिलेगा मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से अवेलेबल हो रही है अभी इसको सोल्व करने से एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हमें यहां से भी मिलेगा तो दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास में टू हो जाएगा या तो आप ऐसे डिफाइन कर लो या आप इसका डेरिवेटिव करके सी को उड़ा दो जो तुम्हारी इच्छा है तरीके बहुत सारे हैं एक्स स्क्वायर अगर टू एक्स मेरा टू से टू गया और सी का मान हमारे पास में जीरो तो सर इसका जो ऑर्डर आया वो सर हमारे पास में दो आया तरीके अलग अलग है मतलब रिजल्टेंट वैल्यू सेम दे रहा है ध्यान रखना सर यहां से आएंगे सर ये डीवाई अपन मेरे पास में डीएक्स है सर यहां पर ये वाई स्क्वायर बाई टू बना सर हमारे पास में एक्स स्क्वायर बना भैया सर हमारे पास में सर जी इसका डेरिवेटिव कर रहा है तो सर आप इसका डेरिवेटिव करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो सर तरीके इसके भी वही हैं प्लस सर जी हमारे पास में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आएगा सी तो एक सी इसके पास है एक में डीवाई अपन डी एक्स के सोल्यूशन से मिलेगा तो दो गए इसका ऑर्डर टू हो गया लेकिन नहीं उस बात में हम लोग नहीं उलझेंगे इसका डेरिवेटिव कर दो यहां से सर हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2y ना टू से टू गया y और खुद y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन सर जी सी का जीरो है और एक्स स्क्वायर का मेरे पास में 2x, तो सर जी इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास में सर जी इसकी कोटी दो हो गई तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं कान खोल के सुन लेना ठीक है चलो इसमें आएंगे यहां सर जी हमारे पास में इंटीग्रेशन वाई डी एक्स है तो सर मैं इसका तो भैया इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकता ना क्योंकि y की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे डायरेक्ट यहां डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x भैया एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो तो भैया इसका डी ये इंटीग्रेशन और सर जी मेरे पास में डेरिवेटिव एक दूसरे के जाने दुश्मन है एक दूसरे की लीला समाप्त कर लेंगे तो वाई बन गया एक्स स्क्वायर का सर जी हमारे पास में टू एक्स आ गया तो इसका जो ऑर्डर बना वो सर जी हमारे पास में कितना बन गया टू बन गया देखिए कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास में ये इस टाइप का अगर कोई इंटीग्रेशन मौजूद है जिसमें सेम वेरिएबल हो रहा है और सेम के रेस्पेक्ट में काम हो रहा है तो आपको यहां इसका डेरिवेटिव करने की आवश्यकता नहीं होती है हां बिल्कुल कह सकते हो आप वो तो मैंने कह दिया ना ऑलरेडी पहले उसके अंदर कि भैया आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सी आएगा एक तो सी ये और एक सी उसके पास में पहले का पड़ा हुआ होगा डीवाई पी एक्स के सोल्यूशन से भैया तो दो सी हो गए तो तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं रिजल्टेंट वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना मेरी यहां चलो लिखो इतना फिर बढ़ता देखिए ऑर्डर और डिग्री की बातें ऐसी हैं कि आपको नहीं मतलब बहुत सारे बच्चे को नहीं आती होंगी और डिफरेंस इक्वेशन ऑर्डर और डिग्री उसका मतलब शुरुआत है हम ये कह सकते हैं ठीक है ना ऑर्डर और डिग्री के सवाल गलत होना मतलब हमारा कहीं ना कहीं वीक पॉइंट होगा क्योंकि ऑर्डर और डिग्री के सवाल मैक्सिमम स्टूडेंट सही करेंगे तो हमें भी सही करना है बस ये बात अपने दिमाग में रखिएगा सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती भी जाएंगी सही तरीके से करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है <coughs> और अगर आप सही तरीका अगर पहले से जानते हो ऑर्डर डिग्री निकालने का तो आप उसी को फॉलो कीजिए और आपको मेरे तरीके में कुछ एक्स्ट्रा लगा तो बिल्कुल मेरा तरीका फॉलो कीजिए ठीक बात है आप चलो बढ़ते आगे तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं उसके एक नहीं है या तो मैंने दो दो तरीके आपको बता दिए हैं सार डिग्री ऑफ डिफ़रेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की घात अब हम लोग डिफाइन करेंगे यहां अवकल समीकरण की गात चलो आराम से देख रहे इसको भी कमाल का डेफिनेशन है ये भी अवकल समीकरण की गात डिग्री ऑफ ए डिफ्रेंचल इक्वेशन और कॉलेज समीकरण की बात सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं आप आपने इसके बारे में क्या क्या सुना होगा पहले तो हम उसको थोड़ा सा पर बता देते हैं कि क्या क्या सुन लिया होगा आपने और क्या नहीं सुना होगा आपने ये सुना होगा कि सर जी पहली बात तो ये है कि हमारे पास में जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है देखिए एक बात और सुन लीजिए आप लोग यहाँ ऑर्डर में एक छोटा सा डाउट बच्चे को कई बार होता है जैसे मान लो आपके पास में कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है सर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है सर जी उसमें हमारे पास में सर जी एक तो चलो वो तो डिग्री में आएगा वहां इसको डिग्री में चेक कर लेंगे इसको तो छोड़ दो तो अभी यहां हां डिग्री में आ जाएगा वही इंट्रोड्यूस करवा देंगे उसको मैंने आपसे क्या बोला कि सर आई डेरिवेटिव चेक करूं और हाईएस्ट डेरिवेटिव में भी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास में होनी चाहिए सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है कितना है पहले वो देखो और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव में से भी जो मैक्सिमम पावर है उसको लेना है हमें इसका मतलब क्या हुआ मेरे बोलने का मतलब देखो ये कि सर मान लो हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है मतलब ऐसा कुछ होगा मान लो ऐसा कुछ है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये भी है ये भी है लेकिन डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की भी हाईएस्ट डिग्री हमें काउंट करनी होगी ध्यान रखना है ना तो ये दिमाग अगर आपके दिमाग में अगर इसको लेकर के कोई सस्पेंस क्रिएट हो रहा है तब नहीं होना चाहिए वो ठीक है चलिएगा दूसरी कहानी क्या है कि सर जी परिमेय एवं पूर्ण बीजे बनाने के उपरांत इसका मतलब क्या है फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए कि वन बाई टू टू बाई थ्री ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए फ्रैक्शन फ्री और रेडिकल्स फ्री होने चाहिए हमारे पास में वो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सुनना आप लोग डेरिवेटिव से संबंधित कोई भी फंक्शन विद्यमान नहीं होना चाहिए यह ध्यान रखना डेरिवेटिव से संबंधित कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए अवकलजों के संदर्भ में अवकलजों के संदर्भ में कोई भी फलन विद्यमान नहीं होना चाहिए एक क्या बकवास की मैंने सुना आपने देखो सर ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालना है ऑर्डर और डिग्री निकालना है मान लो तो सर ऑर्डर में तो हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आ रहा है उसको लिख दो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेवा तो मैं लिख दूंगा तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टू आ रहा है तो ऑर्डर तो हम लोग दो लिख देंगे उसकी कोटी दो है लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी क्यों क्योंकि डेरिवेटिव के लिए सर जी हमारे पास से फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है अवकलजों के संबंध में कोई भी हमारे पास में सर जी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ध्यान रखना अगर ऐसा कुछ हुआ अगर ऐसा कुछ हुआ तो सर जी उसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं हो पाएगी ध्यान रखना जैसे मान लो ई की पावर में कहीं डिवाईपन डीएक्स आ जाए ऐसा आ सकता है ई की पावर में डिवाईपन डीएक्स E की पावर में डीई स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आ जाए ये वाले बात शायद आपने नहीं पढ़ी होगी तो इसको आप अपनी खोपड़ी में उतार लेना आप लोग सारे के सारे चले आगे बिल्कुल बढ़ते है। किसी अवकल समीकरण में विद्यमान किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की उच्चतम घात उच्चतम अवकलज की उच्चतम घात का मतलब समझ गए उच्चतम अवकलज की गात ही हम कह देते हैं बस उच्चतम अवकलज की गात और ये कौन सी होनी चाहिए मैक्सिमम वाली होनी चाहिए ध्यान रखना तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं उस बात को यहां उच्चतम मतलब जो सबसे मैक्सिमम होगी मतलब मैंने बताया था भी कि मान लो कहीं पर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एक बार वन आ रहा है टू आ रहा है तो मैं टू को कैप्चर करना है बस समझ में आ गई उच्चतम अवकलज की गात अवकल समीकरण की गात कहलाती है अवकल समीकरण की गात कहलाती है यदि यदि अवकल समीकरणों में यदि अवकल समीकरण में यदि अवकल परतंत्र चरके, परतंत्र के परतंत्र के अवकलजों की गात अवकलजों की गात मूलक रहित एवं बिन्न रहित तो हो एवं बिन्न रहित तो हो नहीं है तो बनाएंगे एवं साथ में ये भी और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं एवं एवं केवल डेरिवेटिव्स की बात हो रही है वाई की कोई बात नहीं होगी यहां वाई पे कछु भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है केवल डेरिवेटिव्स की बात हो रही है एवं अवकलजों के संबंध अवकलजों के संदर्भ में कोई फलन विद्यमान न हो कोई फलन है विद्यमान न हो विद्यमान न हो ये कैसा मैंने आपको अभी बता दिया था वहां तो ये अब ये डेफिनेशन देखो कई सारी बुक में अलग अलग लिखी हुई है मतलब तो सेम ही रहेगा जैसे कई सारी बुकों में क्या लिखी हुई है सुन लो अवकल समीकरण में अवकलोजो से संबंधित या अवकलोजो को या अवकलोजो की गातों को परिमे एवं पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत ये ऐसा भी लिखा हुआ है ठीक है ना परिमे एवं पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत सर जी उसकी गात को हम कैलकुलेट करते हैं तरीके कुछ भी हो सकते हैं उससे कोई वो नहीं होना चाहिए बात समझ में आ गई तुम्हारे यहां लेकिन सर जी अब हमें थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करना है तो उस लैंग्वेज को आप कैसे भी मैनेज कर लो रिजल्टेंट मेरा काम सेम होना चाहिए और उम्मीद है कि शायद आपने यही पढ़ा होगा जहां तक मैं सोचता हूं और समझता हूं अगर हमारे पास में कोई रेडिकल है कोई फ्रैक्शन है तो हम पहले उसको हटाएंगे वहां से उसके पश्चाति हम लोग उसकी सर्जी डिग्री को डिफाइन कर पाएंगे और एक एक एक्स्ट्रा वर्ड और आ गया यहां कि डेरिवेटिव से संबंधित हमारे पास में कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए कैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको चलो मैं अभी यहां आ जाऊ सर यहां से मेरे पास में द डिग्री द हाइएस्ट डिग्री हम ऐसा भी कह सकते हैं द हाइएस्ट डिग्री और केवल आप डिग्री भी कह सकते हो हाइएस्ट डिग्री बोल लो हाइएस्ट डिग्री और डिग्री का महत्व मैं तो मैंने समझा दिया मतलब क्या उस चीज का द दाइएस्ट डिग्री

इडिफ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड इफ प्रोवाइडेड इफ सर जी हमारे पास में डिग्री ऑफ डेरिवेटिव डिग्री ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर फ्रिक्शन फ्री आर फ्रैक्शन फ्री एंड रेडिकल फ्री रेडिकल्स फ्री एंड दे आर डजनोट एग्जिस्ट एंड दे आर डजनोट एग्जिस्ट दे आर डजनोट एग्जिस्ट मैंने काट दिया इसको एनी फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स अगर ये सारी चीजें हैं तो पहले हमें इनको रिम्यू करना होगा उसके पश्चात हम लोग यहां काम कर पाएंगे ध्यान रखना इस बात का आप लोग सारे बात तुम्हारी कोपड़ी में गई ना चीज़ें वही हैं जो तुमने पढ़ी है लेकिन निखार करके पढ़ना है अब हमें चीज़ें वही हैं जो आपने पढ़ी है लेकिन निखार करके पढ़ना है क्लास के अकॉर्डिंग उसका लेवल चेंज हो जाएगा ध्यान रखना दसवीं बारहवीं क्लास में केवल आपने ये पढ़ा होगा कि भाई हमें आइएस्ट जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री चेक कर लो बस इतना ही पढ़ा होगा ठीक है ना और बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा आपने ये पढ़ा होगा कि कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए कोई रेडिकल से नहीं होने चाहिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ा होगा आपने ठीक है चलिएगा तो सर ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास में ये हमारे पास में सर जी फंक्शंस का मीनिंग मैंने आपको बताया था ना अभी फंक्शंस का मीनिंग मैंने आपको बताया तभी याद होगा बाकी अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे सारे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगे हमारे पास में चले या? आ जाएंगे सारे तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम डाल लेते हैं यहां कि सर डी स्क्वायर वाई मेरे पास में डी एक्स स्क्वायर है प्लस साइन सर डी वाई मेरे पास में dx है भैया और ये सर जी हमारे पास में जीरो मान लो ये है जीरो देखो सर जी इसका जो मेरे पास में अगर मैं ऑर्डर निकालना चाह रहा सर इसकी जो कोटी है कोटी होने के लिए कोटी की सारी शर्तें पूरी हो कोटी की केवल एक ही शर्त है कि कोई इंटीग्रेशन का साइन मौजूद नहीं हो बस तो नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमें हाइएस्ट डेरिवेटिव चेक करना है हाइएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास में टू है तो इसका जो ऑर्डर बना वो सर जी टू बन गया लेकिन सर अगर मैं डिग्री की बात करूं सर अगर मैं घात की बात करूँ यहाँ तो सर इसकी जो घात है वो डिफाइन नहीं होगी नॉट डिफाइन मेरे पास में आ ये डू नॉट डिफाइन जो भी हमारे हमारे पास में तो सर मेरे पास में क्या है सर जैसे देखो ये हमारे पास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या कर सकता हूँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का साइन मेरा डी अपन डी एक्स में कर दूँ यहाँ इस माइनस को मैं इसके साथ लगा सकता हूं तो साइन इनवर्स बन जाएगा ये ऐसे लेकिन हमारे पास में सर यह फंक्शन वाला मामला तो रिमूव तो नहीं हुआ या तो मेरे पास में इसके साथ एग्जिस्ट करेगा या इसके साथ हो रहा है दोनों सिचुएशन में हमारे पास में सर जी डेरिवेटिव का फंक्शन जनरेट हो रहा है और हमने साफ साफ लिखा हुआ है वहां कि अवकलजों के संदर्भ में कोई फलन विद्यमान न हो देर नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन ऑफ डेरीवेट्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेकिन ये कर रहा है बात समझ में आ गई यहां तो सर हमारे पास में जो आएगा यहां ये सर जी हमारे पास में नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइन ऐसा कह सकते हैं हम ये नॉट डिफाइन आपको जैसे भी लगे या परिभाषित नहीं है जैसे भी आपको ठीक लगे नोट डिफाइन योगेश सर नमस्ते भैया जरूर 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 जरूर, जरूर। हां चले यहां से आगे चलिएगा अगर मैं एक सवाल और लिखूं यहां कि सर जैसे मान लो हमारे पास में सर जी साइन है मेरे पास में यहां डी स्क्वायर वाई मेरे पास में डी एक्स स्क्वायर प्लस ये इक्वल टू मेरे पास में सर जी वाई है तो सर अगर मैं यहां से डेरीवेटिव को उसके फंक्शन से अगर मैं फ्री कर पाऊं जैसे हमारे पास में सर जी कितना होगा गया इसकी इसका जो ऑर्डर है इसकी जो कोटी है तो मिल जाएगी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन सर डिग्री के लिए हमने साफ साफ कहा है कि डेरिवेटिव से संबंधित कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए अब नहीं हुआ वाई से तो हमें कोई काम ही नहीं है बिल्कुल भी तो सर इसका ऑर्डर मेरे पास में आ इसकी जो कोटी हमारे पास में आई हाईएस्ट डेरिवेटिव टू है इसकी जो डिग्री है भैया हमारे पास में गात जो है वो जी हमारे पास में इसकी गात सर जी वन हो गई क्योंकि इसने डिग्री के सारे टर्म्स और कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए हैं लेकिन ऊपर वाला सवाल तो बेचारा बेसारा हो रहा था नहीं कर पाया वो डिग्री के सारे टर्म्स कंडीशन तुमने इन दोनों सवालों से क्या देखा कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो जरूर एग्जिस्ट होगा लेकिन उसकी कोटी डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड बट डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट बी डिफाइन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अवकल समीकरण की कोटि सदैव परिभाषित होती है परंतु अवकल समीकरण की गात परिभाषित हो भी सकती है और नहीं भी बात समझ में आ गई ना लिखो नोट यहां नोट बोल के लिखवाएंगे इतना लिखो एक बार यहां हाँ, योगेश भैया जरूर आपका स्वागत है ऐसी क्या बात है जरूर बुलाएंगे जरूर बुलाएंगे ठीक है जरूर बुलाएंगे चलते आगे देखिए अब आपसे डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पांच देकर के तो आपसे उसकी ओडर डिग्री नहीं पूछेगा वो नहीं रैम इतना भी नहीं करेगा आजकल पेपर्स का लेवल बढ़ रहा है भैया ध्यान रखना पेपर्स के लेवल बढ़ रहे हैं अच्छे से ऑफलाइन चल रहा है भैया ऑफलाइन भी चल रहा है ऑनलाइन भी चल रहा है दोनों साथ में चल रहा है जिसको आकर के हमारे सामने दर्शन देने हैं वो दर्शन दे सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल आ सकता है बैठ के पढ़ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है चलेगा चले ऐसे बड़े आगे तो लिखे नोट अवकल समीकरण की कोटि सदैव परिभाषित होती है अवकल समीकरण की कोटि सदैव परिभाषित होती है परंतु परंतु अवकल समीकरण की गात परंतु अवकल समीकरण की गात परिभाषित हो भी सकती है या नहीं भी दोनों चीजें हो सकती है ये हम ऐसा कह सकते हैं परंतु अवकल समीकरण की गात सदैव परिभाषित हो आवश्यक नहीं है अब लैंग्वेज कुछ भी लिख लो आप लोग आपकी समझ में आनी चाहिए परंतु अवकल समीकरण की गात सदैव परिभाषित हो आवश्यक नहीं है है ना यह परिभाषित हो भी सकती है अथवा तो नहीं भी बात एक ही है अब आपको जैसी लैंग्वेज अच्छी लगे वैसे काम करो मतलब समझ में आना चाहिए उस सर नोट को ऐसे चार चांद लगा देंगे भैया ठीक है ना कई बार वो कई एग्जाम में दे देता है इस नोट को वहां ठीक है ना कई बार दे देता है वो ऑप्शन कहेगा कि ऑर्डर डिफाइन हो सकता है नहीं हो सकता मतलब इस तरह से आपको देगा वो तो वो हमें आना चाहिए जिस भी तरह से है चलिएगा सर अब हम करेंगे यहां से एग्जांपल धुआंधार फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेंशियल इक्वेश ओप द फॉलोइंग डिप्रेंशियल इक्वेश निम्न अकल समीकरणों की कोटी एवं घात ज्ञात कीजिए निम्न अवकल समीकरणों की कोटि एवं गात ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए तो दस बारह सवाल हम लोग इसमें लिखते हैं जो भी होगा और जैसा भी होगा लिखेगा फटाफट लेकिन सवाल यहां सर पहला डी स्क्वायर वाई डीएक्स स्क्वायर प्लस टू मेरा डीवाई अपुन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो दूसरा डी स्क्वायर वाई डीएक्स स्क्वायर प्लस साइन डीवाई अपुन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो तीसरा जी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर वन प्लस डीवाई अपन डी एक्स की पावर सर जी मेरे पास में टू बाई थ्री फोर्थ सर जी वाई को मेरे पास में एक्स यहां से डीए डीवाई ऐ... अपोन डीएक्स प्लस का सर जी एक्स अपन डीवाई अपन मेरे पास में डीएक्स भैया फिफ्थ साइड मेरे पास में डी स्क्वायर वाई डीएक्स स्क्वायर है भैया डीवाई अपोन डीएक्स मेरे पास में प्लस वाई इक्वल टू जीरो है अब चाहो तो यहां से इसको हटा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं इक्वल टू जीरो भी ठीक है छठवा डीवाई अपोन डीएक्स प्लस ई की पावर एक्स मेरे पास में डीवाई इक्वल टू सर जी मेरा एक्स स्क्वायर होगा ठीक है यहां से मेरे पास में अब क्वेश्चन नंबर से वन मेरा यहां y प्लस एक्स मेरे पास में डीवाई पुन डी एक्स को लक्वायर इसकी पार चार बटा तीन इक्वल टू एक्स मेरे पास में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ई की पार वाई डीएक्स करो भैया चलिएगा एट मेरे पास में यहाँ सर जी यहां से मेरे पास में एप एक्स वाई डी एम वाई डी एक्स एम की पावर पी फाइव मेरे पास में एक्स वाई ये बीएससी वाले सवाल आ रहे हैं अब इसकी पावर क्यू प्लस का डॉट डॉट मेरे पास में यहाँ चलिएगा सर क्वेश्चन नंबर नाइन वाई बराबर साइन मेरे पास में डीवाई अपॉन डी एक्स है भैया सर क्वेश्चन नंबर टेन हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपोन डी एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन डीवाई अपॉन मेरे पास में डी एक्स इक्वल टू सर जी एक्स वाई मेरे पास में साइन एक्स है सर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर तीन है ये हमारे पास में कुल मिलाकर के दस बारह सवाल जो बनते हैं वो ये है और बाकी सवाल सीट में भी आएंगे है ना असाइनमेंट में भी आएंगे चलो सवाल लिखो और कैलकुलेट करने का प्रयास करो डेरिवेटिव मेरे पास में डिनोमिनेटर में ना आए उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मेरा पास में आएगा तो वो ध्यान रखिएगा हाँ जी तो ये सवाल है ना इनकी ऑर्डर और डिग्री निकालने का प्रयास करना गलत है सही कैसे भी करना करना जरूर कर लोगे ना फिर चेक करेंगे हम लोग कि हमारे सवाल सही है गलत हैं और चेक करने का एक ही तरीका है जब मैं करवाऊंगा तो हमने डेफिनेशन दे दी सारी चीजें दे दी समझ लिए सब कुछ हमने देख लिया यहाँ अब केवल हमें सर जी इसके आंसर को क्रॉस चेक करना होगा पहले आप अपने लेवल पे निकाल लेना उसके बाद में आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग ठीक है ना तो नेक्स्ट वाली क्लास में जो भी होगा पहले हम लोग इनको सोल्व करेंगे वहां उसके पक्षा हमारे पास में क्या होगा उसके पश्चात सर जी हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पहले इसका एक सॉल्यूशन एक क्वेश्चन और होगा अभी तो उसके पश्चात हमारे पास में वहां सॉल्यूशंस पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा साधारण अवकल समीकरण का हल उसके टाइप्स आएंगे ठीक ना उसके बाद में हम लोग स्टेप वाइज स्टेप चीजों में आगे बढ़ते हुए रहेंगे अभी होली का भी माहौल चल रहा है ठीक है ना तो कल की क्लास से ले लेकर के तीन चार दिन का ऑफ रहेगा तो उसमें जिसका भी जितना रायता फैला हुआ रहेगा उसको समिट लेना चार पांच क्लासेस जो भी हो जाएंगी पेंडिंग हमारी ठीक है और जैसे मैंने बताया कि अगर कोई यूजी का पार्ट पर्सनल लेना चाहता है तो ले सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्लीकेशन पे उनको मिल जाएगा वो जो कोई पीजी का पर्सनल पार्ट लेना चाहेगा वो भी ले सकता है वैलिडिटी जो रहेगी सेम रहेगी पंद्रह मंथ की ध्यान रखना फिफ्टीन मंथ हमारे पास में पंद्रह महीने की चाहे कोई सा भी कोर्स लेंगे पंद्रह महीने की वैलिडिटी रहेगी ओनली ओनली तो कह कैब के होता है तो ठीक है अच्छे से पढ़िए सीखिए समझदारी के साथ आगे बढ़िए ठीक है ना तो राधे राधे जय श्री कृष्ण भैया कल मिलते हैं पहले आप सोल्व करना फिर क्रॉस चेक करेंगे हम लोग जो भी हो ठीक है बाय